सीधी की कुसमी में दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर सामने आई। यहाँ जर्जर भवन में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है और कोई भी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। सीधी में शासन प्रशासन के दावों की सरकारी स्कूल पोल खोल रहा है। दरअसल कुसमी में सरकारी स्कूल जर्जर भवन की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ आने वाले छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। बारिश के मौसम में ये समस्या और विकराल हो जाती है। पानी टप टप नहीं धार की तरह कमरों में गिरता है। इतना ही नहीं, स्कूल को 2016 में हाई स्कूल में तब्दील कर दिया गया, लेकिन भवन नहीं दिया गया। छात्र विद्यालय के पुराने भवन में ही एडजस्ट कर पढ़ते हैं। विद्यालय का छत बहुत ज्यादा चूता है, पढ़ने में बहुत समस्या आती है। कभी कभी छुट्टी भी हो जाती है और नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। अब मेरे वो क्लास जा चुके हैं पूरे। वही जिम्मेदारों का रटा रटाया सा जवाब है। डीसी कार्यालय में पत्राचार किया, विधायक जी के माननीय विधायक जी को भी पत्राचार के माध्यम से बताए तो वो भी आश्वासन दिए कि बिल्डिंग जल्द देंगे। विकास यात्रा के दौरान क्षेत्रीय विधायक को समस्या बताई गई थी, लेकिन अब तक सुध नहीं ली गई।